पहला टर्म है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और मान लें एक और टर्म है जो कि है प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब हमारे पास ये दो अलग अलग टर्म हैं, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में ध्यान क्या क्या रखना है वो देखें। तीन चीजें हैं, पहला दोनों टर्म में साइन है, दूसरा दोनों टर्म में नंबर्स हैं, और तीसरा दोनों ही टर्म में वेरिएबल्स हैं। मल्टीप्लाइड में तीनों को गुणा किया जाता है। जैसे पहले हम लोग साइन को मल्टीप्लाई करें, साइन कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस तो मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस बनेगा, या प्लस अगर मल्टीप्लाई हो गया माइनस में तो साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया साइन माइनस तैयार होगा, अगर प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस में तो प्लस ही बनेगा, लेकिन अगर माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस में तो प्लस बनेगा। आपने क्या देखा, आपने ये देखा सभी में मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन पहला जो दो रूल है उसमें क्योंकि साइन हमारे अलग अलग थे इसलिए इनका रिजल्ट ऑलवेज क्या आया, माइनस। और हमने ये देखा कि नीचे वाला जो दो रिजल्ट है उसमें क्योंकि दोनों का साइन एकदम से एक समान था, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ध्यान दीजिए इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, प्लस आया। तो इसलिए मल्टीप्लाई में आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको साइन को मल्टीप्लाई करना होगा, और साइन के मल्टीप्लाई करने का यही नियम है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साइन के बाद सेकेंड पार्ट में आता है नंबर्स। जैसे इसी में देखा जाए, पहला टर्म में ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाई फाइव एक्स स्क्वायर वाई जेड है। ध्यान दीजिए नंबर्स ये हैं थ्री एंड फाइव, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, फिफ्टीन। आप इसको जानते हैं सिंपल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद थर्ड में आपका आएगा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखा जाए। अगर इसी में देखा जाए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इंटू प्लस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर वाई और इसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई स्क्वायर जेड। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो इसमें एक्स की संख्या दो है और इसमें एक्स की संख्या एक है, यानी जब मल्टीप्लाइड होगा तो ये दोनों मिल करके एक्स की संख्या थ्री हो जाएगी, जबकि इसमें वाई वन है और इसमें वाई टू है। तो यहाँ पर भी जब दोनों मल्टीप्लाइड होंगे तो यहाँ वाई एक बार आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर दो बार आएगा, तो कुल मिला के वाई की संख्या भी थ्री हो जाएगी। लेकिन इसमें जेड है नहीं, इसमें तो है जेड, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो जेड केवल एक ही बचा हुआ रहेगा। तो इस तरीका से सबसे पहले हम लोग साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, लास्ट में वेरिएबल्स का। अब हम इसको पूरा बनाते हैं कैसे ये मल्टीप्लाई होगा, बतलाएं। ये माइनस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, साइन का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हमें किसका करना है, नंबर्स थ्री एंड फाइव को आप मल्टीप्लाई करें, फिफ्टीन, ये भी हो गया। अगला बारी किसका है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में यहाँ पर एक्स दो बार, यहाँ पर एक बार, यानी ये तीन बार आएगा, यहाँ वाई एक बार और यहाँ दो बार, तो वाई भी तीन आ जाएगा। जेड इसमें नहीं है लेकिन इसमें जेड है, तो ये जेड एक बार आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरा टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है पहले थ्री एक्स के साथ और उसके बाद माइनस फोर वाई के साथ। तो आप सभी को पहले थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अगर मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो हमारा सबसे पहला टर्म टू एक्स वाई है और इसको हम थ्री एक्स के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस आएगा गुना होकर, दो तीन छः आएगा, एक्स एंड एक्स, एक्स स्क्वायर एंड वाई अकेले है वाई, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के आता है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद इसकी बारी आती है, जब टू एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसके जस्ट बाद माइनस थ्री एक्स आता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं ये तो प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, थ्री एंड थ्री मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा नाइन, और एक्स मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर। ये दोनों होने के बाद अगला बारी है इसका फोर वाई का, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये वाई है ये एक्स है तो एक्स वाई, और फिर लास्ट में ये टर्म यानी एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एंड एक्स हो गया। पहला टर्म में मल्टीप्लीकेशन होने के बाद अब हम लोग सेकेंड टर्म के साथ सभी को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग पहला टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस आएगा, दो और चार में गुना करेंगे आठ आएगा, यहाँ एक्स एक बार है लेकिन वाई दो बार है तो इसे एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे हो गया। इसके बाद अब सेकेंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, थ्री एंड फोर मल्टीप्लाई होकर ट्वेल्व, एक्स एंड वाई बन जाएगा एक्स वाई, प्लस एंड माइनस बन जाएगा माइनस, फोर एंड फोर गुना होकर हो जाएगा सिक्सटीन, वाई एंड वाई गुना होकर हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसके बाद लास्ट टर्म बचा एट, तो प्लस एंड माइनस माइनस, एट एंड फोर गुना करो कितना आएगा थर्टी टू, और ये हो जाएगा वाई हो गया। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने में ध्यान दें एक्स स्क्वायर वाई कहीं पर नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे जैसे है वैसे, ये हो गया। इसके बाद हम इसको भी देख लें, ये भी लगता है कहीं नहीं है, माइनस एट एक्स वाई स्क्वायर ये भी हो गया, एक्स स्क्वायर है कहीं पर नहीं है तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स वाई दो जगह पर है, यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, इसका मतलब ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स और तो है नहीं कहीं पर तो इसको लिख दो ट्वेंटी फोर एक्स, ये भी कहीं पर नहीं है और ये भी है, तो ये